आप में से बहुत सारे लोग लगातार मुझे मैसेज कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आखिरकार क्या बात है सदफ़ भाई कि आप मुफ्ती सलमान अजहरी के मामले में कोई भी पोस्ट नहीं कर रहे हैं, उनको लेकर के वीडियो नहीं बना रहे हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है, मैंने कई वीडियोज जो हैं पहले बनाए हैं। हाँ, ये बात सही है कि पिछले कुछ दिनों में लगातार जो वीडियो अपडेट हम दिया करते थे वो आप तक नहीं दे रहे हैं। यही वजह है कि बहुत सारे लोग चिंतित हैं, परेशान हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉल किया, कुछ ने व्हाट्सएप पर मैसेज किया, कुछ ने ये तक कहा कि आप वीडियो डाल करके डिलीट कर दिए, या कुछ ने ये कहा कि आपने अपडेट करके अपडेट दिया नहीं। बहुत सारी बातें हैं, कई सारे लोग नाराज़ हैं, तो कई सारे लोग सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार ऐसी क्या वजह आई कि हम आप तक अपडेट नहीं पहुँचा रहे। देखिए, आप तमाम लोग बहुत बेहतर जानते हैं कि किस तरह से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जो हैं वो लगातार शिकार होते गए और अभी तक वो जेल में कैद हैं। उनके रिहाई को लेकर के गुजरात हाई कोर्ट से तमाम रास्ते जो है वो बंद हो गए। उनके ऊपर जो अन्य दो केसेस थे उसको लेकर के भी मामला जो हैं वो गुजरात हाई कोर्ट में चल रहे हैं, लेकिन एक जो पासा का मामला है जिसकी वजह से वो जेल में कैद हैं उसको लेकर के क्या कुछ अपडेट सामने आया, ये बातें बार बार मुझसे पूछी जा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया तो क्या हुआ, नहीं गया तो क्यों नहीं गया, ये तरह तरह की बातें। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा है और अभी भी मैं आपसे ये जो कहने जा रहा हूँ इसे बहुत गौर से समझने की ज़रूरत है। सवाल यह है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जेल में गए तो क्यों गए, उनके साथ हुआ क्या था, उन्होंने जो भाषण दिया था, जिस मंच पर भाषण दिया था, जिस इलाके में भाषण दिया था, वहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष ने उसी दिन उनके ऊपर कोई FIR दर्ज नहीं किया था, यानी कि उनके ऊपर उसी दिन जिस दिन वो सम्मेलन में शामिल हुए थे FIR नहीं हुआ कि इन्होंने कोई गलत बातें कही, इन्होंने कोई गलत टिप्पणी की, इन्होंने आपसी सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की, ऐसी कोई बात सामने नहीं आई थी। उनके ऊपर बाद में कार्रवाई हुई और बाद में जो कार्रवाई हुई उसके पीछे की एक वजह एक वीडियो फुटेज बताया गया। एक वीडियो सामने आया जो महज 30 सेकेंड का था, शायद उससे भी कम का था। उसमें उन्होंने एक शेर पढ़ा था और शेर का एक मिसरा था कि आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। इस शेर के एक मिसरे का मतलब हिंदुस्तान के बहुसंख्यक समुदाय से जोड़ दिया गया और उन्हें जेल में भेज दिया गया, ये कहते हुए कि आपने देश की आपसी सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की। गुजरात हाईकोर्ट में जब इस मामले को लेकर के बहस चल रहा था तो हमने देखा था कि किस तरह से जो प्रोसिक्यूटर था उन्होंने सीधे तौर पर मुफ्ती सलमान अजहरी को एक मुफ्ती कम मार्केटर ज़्यादा बताने की कोशिश की और उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि किस तरह से मुफ्ती सलमान अजहरी ने इस देश में आपसी सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की। उन्होंने डी एडिक्शन यानी कि ड्रग्स को लेकर के उन्हें भाषण देना था, उसको लेकर के उन्होंने बात ना करके जो है वो दो धर्मों को लड़ाने की कोशिश की। हालांकि ये सारा का सारा केस एक 30-35 सेकेंड के वीडियो पर जो है वो दिखाने की कोशिश की गई, एक बेस बनाया गया उस वीडियो को। आखिरकार वो वीडियो कहाँ से सामने आया? वीडियो सामने आया YouTube से, Instagram से, Twitter से, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, जहाँ पर रील्स बनाने वाले लोगों ने उनके पूरे स्पीच के एक छोटे से पार्ट को काट करके दिखा दिया जिसका मतलब कुछ और निकल गया। बल्कि अगर उनके पूरी भाषण को देखेंगे, अगर उस शेर के कंटेक्स्ट को देखेंगे, उसके पीछे जो उन्होंने बातें की, तो ये मामला सीधे तौर पर इसराइल और फ़लस्तीन से जुड़ी हुई जंग को लेकर के था, जिसमें उन्होंने ये बातें कही थी कि किस तरह से ये मामला जो है वो सीधे तौर पर एक हुकूमत जो एक हाकिम इसराइल का है उससे था मामला, और एक फ़लस्तीन के मज़लूम लोगों से था। लेकिन उनके ऊपर मामला दर्ज हुए एक वीडियो फुटेज की वजह से। अब आप कह रहे होंगे कि मैं इस बात को बार बार आप तक क्यों कह रहा हूँ, तो ये मामला कैसे शुरू हुआ? एक वीडियो की वजह से। आज मैं देखता हूँ कि जब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, मुझे खुशी है कि मैं जब वीडियो अपलोड करता हूँ मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से के मामले में, तो बहुत सारे यूट्यूबर दर्जनों ऐसे यूट्यूबर हैं जो मेरी वीडियो को उठाते हैं और अपलोड करते हैं, उस पर रिएक्शन देते हैं, रिएक्शन वीडियो बनाते हैं, या कभी कभी सीधे वीडियो उठा करके अपलोड करते हैं। बहुत सारे चैनल, कुछ लोग जो हैं वो बहुत अच्छे से, बहुत सलीके से वीडियो बनाते हैं, बाज़ाब्ता क्रेडिट देते हुए, बाज़ाब्ता बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं, लेकिन कुछ लोग वीडियो को उठाते हैं, बस डाल देते हैं, थंबनेल चेंज कर देंगे, उस पर किसी योगी की तस्वीर लगा देंगे, कभी मोदी की तस्वीर लगा देंगे, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। कंटेक्स्ट कुछ होता है वीडियो का, थंबनेल पर आप कुछ लगा देते हैं। इसी तरह मुफ्ती सलमान अजहरी के कई सारे वीडियोज़ को मैं देखता हूँ कि यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया हुआ है, उसका कंटेक्स्ट कोई और है, मामलात कोई और है, बात फिरौन की हो रही है और आप तस्वीर योगी और मोदी की लगा दे रहे हैं, जबरन आप उनके ऊपर एक जो है जिम्मेदारी आप उनके ऊपर लगा दे रहे हैं कि इन्होंने असल में आज के मोदी जी को या योगी जी को फिरौन कहा, जबकि उन्होंने उनको नहीं कहा था। इसके बावजूद आप अगर उनके वीडियो के ऊपर इस तरह के थंबनेल लगा देते हैं तो इसका साफ मतलब ये होता है, ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसका साफ मतलब ये होता है कि आप
उनकी कहने के कथन, उनका जो कथन है, उनका जो कहने का मतलब है, आप उसको बदल रहे हैं और किसी और से जुड़ रहे हैं, और इसकी वजह से उनका नुकसान होता है और इसी नुकसान के शिकार वो हो गए। अब रही बात कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज भी मैं सोशल मीडिया पर देखता हूँ 2 मिनट का, 1 मिनट का, 30 सेकेंड का, 35 सेकेंड का, 40 सेकेंड का, 5 मिनट का वीडियो उनका अपलोड कर दिया जाता है, थंबनेल पर किसी नेता की तस्वीर लगा दी जाती है, कोई भड़काऊ बात लिख दी जाती है जिसका मुफ्ती सलमान अजहरी से कोई लेना देना नहीं है, बस स्पीच उनका है लेकिन जो थंबनेल पर लिखा हुआ है वो उन्होंने कभी नहीं कहा। इस तरह की हरकतें जो लोग कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ आप लोगों को आवाज़ बुलंद करना होगा, आप लोगों को उनके वीडियो को रिपोर्ट करना होगा, उनके वीडियो को रोकना होगा, उन चैनल वालों से आपको कहना होगा कि ये मत करो, इस तरह से मुफ्ती सलमान अजहरी को परेशान ना करो, वो अभी जेल में कैद है और उनकी मुश्किलों को और ना बढ़ाओ, क्योंकि ये लोग ऐसा कर रहे हैं। अब रही बात अपडेट को लेकर की, उनका मामला अदालत में है, उच्च न्यायालय में और तमाम न्यायालय में, आप तमाम लोग जानते हैं कि सारा का सारा मामला उनका न्यायालय में पहुँचा हुआ है। तो अदालत में इस पूरे मामले को लेकर के जो भी फैसला होगा, मैं आपको वो फैसला सीधे तौर पर बता दूंगा कि क्या फैसला सामने आया, क्या बातें हुई, क्या नहीं हुई। बहुत ज़्यादा अपडेट देने का कोई ख़ास मतलब नहीं समझ आता है, आप लोग बस दुआ करिए। बीच बीच में मैं आप लोगों से मुफ्ती सलमान अजहरी के मामले में रूबरू होता रहूँगा, आपको जो अपडेट होगा, जो कोई अपडेट, ख़ास अपडेट आएगा, हर अपडेट जानना ज़रूरी नहीं होता है, जो ख़ास अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा कि आज मुफ्ती सलमान अजहरी की रिहाई को लेकर के फैसला आया या फिर रिहाई नहीं हुई, ये भी हम आपको बता देंगे। हम आपको धोखे में नहीं रखना चाहते, कुछ चीज़ें आपको इसलिए नहीं बताता हूँ क्योंकि इसे आप प्राइवेसी के लिए समझिए कि ये बहुत ज़रूरी है कि मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपके अलावा 4 और आंखें हैं जो देख रहा है, आपको बस इस बात को समझने की ज़रूरत है, और भी लोगों की निगाहें हैं तो इस बातों को समझने की ज़रूरत है। बाकी हम आप तमाम लोगों तक मुसलसल बीच बीच में आते रहेंगे, आपको तमाम अपडेट देते रहेंगे, किसी भी तरह की परेशानी हो, आपको उनके बारे में कोई जानकारी लेनी हो, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करेंगे, मैं आपको बताने की तमाम कोशिशें करूँगा। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, आप वो कहीं पर भी मुफ्ती सलमान अजहरी के मामले में कोई गलत, कोई भी उल्टी सीधी बात मिले उस चैनल को रिपोर्ट कीजिए, चाहे वो किसी का भी चैनल हो, आप उसको रिपोर्ट कीजिए, आप उनसे कहिए कि इस तरह की हरकतें छोड़ दो, ये बिल्कुल गलत है, इनसे उनका नुकसान हो रहा है। आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।